देख क्वेश्चन नंबर जो 6 है का ना, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। बरे स्टार्टिंग में तुम क्या बोला हुआ है, अ मैनेजर ऑफ द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सीक योर एडवाइस एज टू मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी विच इंटेंड टू प्रोड्यूस एज अ मास स्केल इन फ्यूचर द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस एंड सोल 100 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। ये साल वो कितने यूनिट बनाता है, 100 यूनिट। मतलब सबसे पहले हम लोग कोस्ट शीट बनाएंगे 100 यूनिट की, सब इन्फॉर्मेशन तेरे को दे दिए, रॉ मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री ओवर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड का सेलिंग ओवर हेड भी दे दिया है और सेल्स भी तेरे को दे दिया है। एडी से इन्फॉर्मेशन में क्या बोला हुआ है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट द डिपार्टमेंट विल प्रोड्यूस 500 यूनिट पर एनम फॉर द कोस्टिंग रिकॉर्ड, इट इज एसर्टेंटेड भाई। ये जो भी कंपनी है, जो भी डिपार्टमेंट है, उसको फ्यूचर में कितने यूनिट बनाने हैं, 500 यूनिट बनाना है। मतलब कि जो भी तुम टेंडर दोगे वो 500 यूनिट का बना होगा। सबसे पहले ऊपर की इन्फॉर्मेशन से 100 यूनिट का बन जाएगा, जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चनों में हम लोग ने किया। टेंडर बनेगा कितने, 500 यूनिट का बनेगा। एडी से इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले नंबर पे 40% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड वेरी चेंज डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साथ साथ 40% फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब 40% वेरिएबल है, 60% फिक्स है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों दो चीज 50-50% थी, बराबर, या 40-60 है। 70% जो भी है सेलिंग ओवरहेड जो भी है वो कैसा आएगा, चेंज होगा, मतलब 70% वेरिएबल है, 30% कैसा आएगा, फिक्स है। नेट मिस्ट्री ओवरहेड तो कैसा आएगा, 100% कैसा आएगा, फिक्स है। इट एक्सपेक्टेड डेट, मतलब ये जो चीज है कि उसका यूज हम लोग कब करेंगे, जब टेंडर बनेंगे तब हम लोग इसका यूज करेंगे। क्या बोला हुआ है, लेबर चार्ज पर यूनिट जो भी है वो 20% से कम हो जाएगा। तो ऊपर तेरा जितना भी लेबर चार्ज होगा, ऊपर लेबर चार्ज अपना कितना आएगा, 35 रुपये का ना, 35 आएगा ना पर यूनिट, 20% कम कर देने का। बर तो 35-20% करेंगे तो आंसर लगभग 28 आएगा। बर एक यूनिट के 28, तो 500 यूनिट के लिए क्या करने का, 28 × 500 कर देने का। उसी तरीके से फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो भी है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 1500 रुपये बढ़ता है। तो पहले फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स वाला कितना था, 2100 था ना, अभी 1500 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3600 रुपये हो जाएगा। उसके बाद बोला फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ने सेलिंग ओवरहेड वुड इंक्रीज बाय 25%। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड के अंदर जो फिक्स अमाउंट है वो 25% बढ़ दिया, ठीक है। तो जितने भी फिक्स हो गए तुम्हारी, उसके क्या करने के, 25% तुम्हारे को बढ़ा देने का। तो फिक्स वाला हो गया, वेरिएबल के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो वेरिएबल पर यूनिट को क्या कर देने का, 500 से मल्टीप्लाई कर देने का, बराबर है। तो तेरे को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देख अब ऊपर वाला जो भी हम लोग ने कोस्ट शीट हम लोग बनाते हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स तक की जैसा वैल्यू तेरे को मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक की वैल्यू का टोटल करोगे तो 17,000 रुपये तेरा आएगा। तेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में सेल्स दे दिया 18,700, दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो हमारे को प्रॉफिट 1700 मिलेगा। देख प्रॉफिट कितना मिला, 1700 रुपये मिला। अब देख हम लोग देखते तो हमारे को देख थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। देख कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा, 17,000 है, प्रॉफिट कितना है, 1700 है, इसका मतलब 10% है। प्रॉफिट कितना है, 10% है, बरे। तो हम लोग करेंगे क्या, तो ये जो टेंडर हम लोग बनाएंगे तो देख टेंडर का कॉस्ट ऑफ सेल्स तेरा कितना आएगा, 67550 आएगा। इसका मतलब के इसके भी 10% निकालेंगे तो हमारे को प्रॉफिट मिल जाएगा ना सारी बड़ी। तो 67550 के 10% निकालेंगे तो 67555 अपनों का मिल जाएगा, उसका भी प्रॉफिट मिल जाएगा। दोनों का प्लस कर देंगे तो हमारे का मिल जाएगा, एस्टिमेट सेल्स मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का अपनों ने पीछे करो उसके जैसा ही है, कुछ है नहीं, खाली परसेंटेज चेंज कर लेगा, सारी बड़ी ना। चलो फटाफट काउंट करो।